रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 22 तारीख को मैं चाहूँगा कि आप सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो जुड़ें। राम भगवान तो सबके हैं और राम भगवान का जब मंदिर बन रहा है उन्हीं के जन्म स्थान में तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह नमस्तक होके प्रार्थना करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे समय पे जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ इस दौर में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी और अगर मैं कुछ हूँ तो ये उसकी कृपा है। निमंत्रण आए या ना आए बट मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा क्योंकि ये मेरा एक अपना बिलीफ है उनमें। पूरे भारतवर्ष को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 22 तारीख को मैं चाहूँगा कि आप सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो जुड़ें, चाहे टीवी के माध्यम से या फिर वहाँ जाके और आशीर्वाद लीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि राम भगवान तो सबके हैं और राम भगवान का जब मंदिर बन रहा है उन्हीं के जन्म स्थान में तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा धाम बनने वाला है। और सब जाइए, निहाल हो जाइए, दर्शन करिए। मैं ज़रूर जाऊंगा जी क्योंकि मैं देखिए धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं और भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं और मैं हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह नमस्तक होके प्रार्थना करता हूं और ज़रूर मैं जाऊंगा जब मौका मिलेगा और उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे समय पर जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ इस दौर में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ये बहुत बड़ा धाम बनने वाला है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, हमारे प्रधानमंत्री साहब को, और उनके चलते हुए उनके नेतृत्व में ये काम हुआ और बहुत बहुत मुबारकबाद उनको भी और पूरे देश को। कांग्रेस ने भी ये कहा है, बाकी कुछ दल भी तो मंदिर में जाने से जो है इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है, बीजेपी जो है ये चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। देखिए कौन क्या कहता है ये बहुत अलग बात है, पर बहुत जो सही बात है वो यही है कि ये मंदिर जो है वो ये धाम जो है ये बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये चीज़ें हो रही हैं और हमें वहाँ जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई जाए ना जाए, मेरी जो भगवान में आस्था है और जो मेरा एक यकीन है मैं तो ज़रूर जाऊँगा। और मैं कोई पार्टी जाए या ना जाए, मैं एक ये अपना मेरा स्टैंड है एज इंडिविजुअल जो बिलीव करता है भगवान में तो मैं ज़रूर जाऊंगा। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी और जाना हो जाए, किसी को मेरे जाने से दिक्कत है तो वो भी उनको जो करना है वो करें। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मुझे लगता है कि ये भगवान में बिलीव करना है, जो चीज़ें हो रही हैं मेरे जीवन में अगर मैं कुछ हूँ तो ये उसकी कृपा है और ज़रूर आशीर्वाद लेने पहुँचूँगा। जब मुझे भगवान राम के मंदिर में जाने का मौका मिलेगा और वो ये निमंत्रण आए या ना आए बट मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा क्योंकि ये मेरा एक अपना बिलीफ है उनमें। और मैं हर मंदिर गुरुद्वारे और मस्जिद जहाँ पे भी भगवान का वास है मैं वहाँ जाता हूँ, नमस्तक होता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। भगवान की मूर्ति तो देखिए बहुत ही अच्छी है और अच्छा लग रहा है देख के, और बस सामने से देखना चाहूँगा और सर झुका के आशीर्वाद लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। और मैं दूसरी पार्टियों को या किसी भी पार्टियों को जो ये बातें कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रहा है, तो मैं सबको यही कहूँगा, छोटा हूँ पर ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि एटलीस्ट धर्म के नाम पर जो आप कह रहे हो कि ये चीज़ें, आप पॉलिटिक्स को ना थोड़ा सा दूर रखिए। ये पॉलिटिक्स जो है वो धर्म के नाम पे मत करिए। भगवान राम सबके हैं और हम सबको आशीर्वाद लेना चाहिए।